गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज दिनांक 13/9/2021 को SBT बिहार की तरफ से एक नोटिस पब्लिश किया गया है, जिसमें उन्होंने बिहार के सभी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के 6th सेमेस्टर और पार्ट टाइम 8th सेमेस्टर न्यू सिलेबस विथ बैकलॉग स्टूडेंट्स के सेमेस्टर एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशंस दिया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि दिनांक 26/8/2021 को भी 6th सेमेस्टर और पार्ट टाइम 8th सेमेस्टर विथ बैकलॉग स्टूडेंट्स के सेमेस्टर एग्ज़ाम्स को लेकर एक नोटिस पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने 21/9/2021 से 30/9/2021 तक परीक्षा का कार्यक्रम पब्लिश किया था और साथ ही साथ 31/8/2021 को उसके रिगार्डिंग 6th सेमेस्टर का और पार्ट टाइम 8th सेमेस्टर के एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ होंगे उसको भी पब्लिश किया था। सो उसी के रिगार्डिंग आज डिपार्टमेंट ने एक नया नोटिस जारी किया है, तो देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है। दिनांक 21/9/2021 से प्रारंभ होने वाली 6th सेमेस्टर और पार्ट टाइम 8th सेमेस्टर ओल्ड और न्यू सिलेबस बोथ विथ बैकलॉग से संबंधित संशोधित परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में, यानी आपका जो एग्ज़ाम्स का शेड्यूल था उसमें कुछ संशोधन किया गया है, यानी आपका जो 21/9/2021 से जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाला था उसमें कुछ संशोधन किया गया है। और यह संशोधन परिषद का पत्रांक 2297 दिनांक 26/8/2021 के अकॉर्डिंग, BCEC बोर्ड का पत्रांक 1288/2021 दिनांक 8/9/2021 के अकॉर्डिंग इसमें संशोधन किया गया है। तो देख लेते हैं कि किन किन सेमेस्टर के एग्जाम्स प्रोग्राम के बारे में उन्होंने आज के नोटिस में बताया है। यहाँ पर बताया गया है कि 6th सेमेस्टर और पार्ट टाइम 8th सेमेस्टर विथ बैकलॉग की परीक्षा जो पूर्व में दिनांक 25/9/2021 एवं 27/9/2021 को निर्धारित थी, BCEC बोर्ड द्वारा दिनांक 26/9/2021 को आयोजित BCEC बोर्ड लैटरल एंट्री 2021 की परीक्षा से संबंधित पत्र के ज्ञापांक 1288/2021 दिनांक 8/9/2021 के आधार पर उसे स्थगित करते हुए दिनांक 25/9/2021 के स्थान पर दिनांक 1/10/2021 एवं 27/9/2021 के स्थान पर दिनांक 3/10/2021 को पुनर्निर्धारित किया जाता है। यानी यह जो संशोधन हुआ है वह BCEC बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली लैटरल एंट्री की प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया गया है। मालूम है कि प्रत्येक साल BCEC बोर्ड द्वारा लैटरल एंट्री की प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसके द्वारा सभी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स उस एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होके और उसको क्वालिफाई करके वे डायरेक्ट BTEC के सेकेंड ईयर में एडमिशन पा सकते हैं। सो उसी के रिगार्डिंग 6th सेमेस्टर और पार्ट टाइम 8th सेमेस्टर विथ बैकलॉग का जो एग्ज़ाम 25/9/2021 को होने वाला था वह अब 1/10/2021 को होगा, यानी 1 अक्टूबर 2021 को होगा, और जो एग्ज़ाम 27/9/2021 को कंडक्ट होने वाला था वह एग्ज़ाम 3/10/2021 को कंडक्ट होगा, यानी 3 अक्टूबर 2021 को कंडक्ट करवाया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है चूँकि 26/9/2021 को उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम है, यानी यह जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें अपेयरिंग कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। तो जिन कैंडिडेट्स ने BCEC बोर्ड द्वारा कंडक्ट होने वाली लैटरल एंट्री प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में फॉर्म भरा है उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी राहत है, यानी उन लोगों के लिए एक तरह की खुशखबरी है, यानी वे अब दोनों एग्ज़ाम्स में अपेयर हो सकते हैं, अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में भी अपेयर हो सकते हैं और इंट्रेंस एग्ज़ाम में भी अपेयर हो सकते हैं। तो इस तरह से डिपार्टमेंट ने आप लोगों को एक अच्छा मौका दिया है और आगे लिखा है शेष तिथियों की परीक्षा यथावत रहेगी, यानी आपका जो 21/9/2021 से जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला था वह 21/9/2021 से ही होगी। और आगे रूटीन के बारे में बताया गया है तो उसको देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 21/9/2021 को जो आपका जो सब्जेक्ट था वह आपका सेम है, आप पहले वाले रूटीन से इसको मैच कर सकते हो, आपका सारा सब्जेक्ट जो है वह सेम है,
उसी तरह से 23/9/2021 का भी जो सब्जेक्ट था वह सेम है, आप अपना यहाँ सब्जेक्ट कोड मैच कर लोगे। और उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा वह 30/9/2021 को होगा, यानी आपका जो एग्ज़ाम था 25 को और 27 को वह एग्ज़ाम को कैंसिल किया जा रहा है, और 25/9 के स्थान पर 1/10 और 27/9 के स्थान पर 3/10 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। यानी जो पेपर आपका 25/9 को था वही पेपर आपका 1/10 को होगा, और जो पेपर आपका 27/9 का था वही आपका 3/10 को होगा। यानी पेपर यहाँ पर चेंज नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर डेट जो है उसको संशोधित किया गया है, यानी डेट आपका चेंज होगा, पेपर वैसा का वैसा ही रहेगा। यानी अगर 25/9/2021 को अगर आपका इंडस्ट्रियल फ्लूड एंड पावर था तो आपका 1/10/2021 को भी इंडस्ट्रियल फ्लूड एंड पावर ही रहेगा। और आपके प्रैक्टिकल्स पेपर्स के डेट में भी कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, यानी 4/10/2021 से जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स था वह रिमेन सेम है, 4/10/2021 से 6/10/2021। और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप अपने सब्जेक्ट के सब्जेक्ट कोड को चेक कर लीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम उस डेट में है या नहीं, यानी दिए हुए सब्जेक्ट कोड से आप अपने सब्जेक्ट के सब्जेक्ट कोड को मैच कर लीजिएगा। और अगर फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो कमेंट कीजिएगा, तो आप अपने सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि आपका किस पेपर का एग्ज़ाम किस डेट में है। और इसके PDF का डिटेल्स आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड करके अपने अपने सब्जेक्ट के सब्जेक्ट कोड को चेक कर लीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम उस डेट में है या नहीं। तो इस तरह से डिपार्टमेंट ने आपको एक मौका दिया है, सो आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम के साथ साथ अपने इंट्रेंस एग्ज़ाम की भी तैयारी शुरू करें। यानी आपको अपना इंट्रेंस एग्ज़ाम भी मिस नहीं करना है और साथ ही साथ सेमेस्टर एग्ज़ाम को भी ध्यान में रखना है। और इस तरह से जो भी बच्चे कन्फ्यूज़न में थे कि क्या वे इंट्रेंस एग्ज़ाम दे पाएंगे, तो आज के नोटिस के अकॉर्डिंग उनका जो कन्फ्यूज़न था वह क्लियर हो गया, यानी वे दोनों एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकेंगे। तो दोनों एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग दोनों ही एग्ज़ाम में सफल हो सके इसी कामना के साथ आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।